शेयरिंग साइकिल सर्विस आज लोगों की उदासीनता शिकार हो रहा है। खुद को स्वस्थ रखने और पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए जर्मन मेड साइकिल रांची लाई गई। 2019 में तत्कालीन रघुवर सरकार ने नगर विकास विभाग की पहल से इसकी शुरुआत की। सरकार बदलने के बाद भी सीएम हेमंत सोरेन ने शनिवार और रविवार को नो कार अभियान की शुरुआत की। साइकिलिंग को लेकर आम जनता का रुझान बढ़ा है और लोगों ने इसे पसंद भी किया है। इसको हम 2019 से यूज कर रहे हैं। इससे बहुत फायदा होता है। स्टूडेंट लोग के लिए बहुत अच्छा है। टाइम बचता है, ट्रैफिक में भी इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, कहीं भी जा सकते हैं इस टाइम पे। अभी आप कहाँ से आए? कोकर से। हाँ, कहाँ जाएंगे? लाइब्रेरी जाना है हमको। कभी कभी लॉक नहीं खुलता है इसमें, उससे मतलब परेशानी होती है, और तो ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा चलता है इसे। कब से आप साइकिलिंग ये कर रहे हैं? 1 month हो गया सर, 1 month से। कितना चार्ज लगता है? 236 लगता है 1 month का। उसके बाद हाफ एन आवर मतलब पर डे चला सकते हैं फ्री, और मतलब दिन भर भी मतलब पूरा डे चलाना है तो मतलब हाफ एन आवर पर साइकिल चेंज करना पड़ेगा। साइकिल चेंज करके चलाते रहिए, फ्री है फिर 1 month का। कोरोना काल में साइकिलिंग सर्विस देने वाली कंपनी को भी धक्का लगा, लेकिन उम्मीद है कि हालात सही होने पर लोग दोबारा इस सेवा से जरूर जुड़ेंगे। आज राजधानी में 600 के करीब साइकिल हैं, जबकि फेज 2 में कंपनी की और 600 साइकिल लाने की तैयारी है। फेज 1 2019 से हमारा शुरुआत था चार्टेड स्पीड का रांची में, और फेज 1 में हमारे 60 स्टैंड्स अक्रॉस रांची म्युनिसिपल लिमिट के अंदर में है। 600 साइकिल उसमें हम इंस्टॉल कर चुके हैं और वो चल रहे हैं। फेज 2 का काम चालू है। फेज 2 में हमें 60 और स्टैंड लगाने हैं और 600 बाइक्स और ऐड ऑन करने हैं। तो ये दोनों फेज मिला के करीब 120 स्टैंड और 1200 बाइक्स जो रांची में घूमते रहेंगे। ये जो जैसे मैंने बताया महामारी से थोड़ा इम्पैक्ट तो पड़ा, लेकिन हम यही मान के चल रहे हैं कि अब जो जो सुधार हो रहा है, बच्चे भी स्कूल जाने लगे हैं, लोग बहुत पसंद भी करते हैं, और हम अनेकों स्कूल कॉलेज में जाके प्रिंसिपल्स और सर लोग से मिलते भी, उनको बताते भी हैं कि ये सर्विसेज हैं, वो अपने बच्चों को एक बार जरूर बतलाते हैं। बीजेपी ने शेयरिंग साइकिल सर्विस की पहल को रघुवर सरकार का अच्छा कदम बताया, लेकिन कांग्रेस ने 60,000 रुपए कीमत की 600 साइकिल की खरीद में भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी का आरोप पूर्ववर्ती बीजेपी की सरकार पर लगाया है। इस दृष्टिकोण से माननीय रघुवर दास जी ने मोराबादी के मैदान में चारों कॉर्नर पे, और नहीं उतना ही बल्कि सब जगह पर उन्होंने साइकिल की व्यवस्था कराए, ताकि लोग जाएं और कम पैसे में साइकिल लेकर के अपने नियर बाय मार्केट में जाएं, बीजीएस टाउन में जा सकते हैं और जा करके कहीं भी वो बाजार करके वापस आ सकते हैं। लेकिन उनकी मंशा कुछ और थी, वो सिर्फ और सिर्फ खरीदारी और उसमें कमीशन खोरी तक ही रह गई। सैटरडे संडे को साइकिलिंग को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री ने भी उसको शुरुआत किया था, लेकिन ये मूर्त रूप नहीं ले पा रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और सिर्फ पिछली सरकार ने योजनाएं बनाई, चीज़ों को व्यवस्थित ढंग से जनता के बीच नहीं पहुंचाया, इसी की वजह से ये जो है साइकिलिंग वाला भी जो कार्यक्रम था वो असफल साबित हो रहा है। आधे घंटे की फ्री सेवा और 250 से 300 रुपए के सालाना ऑनलाइन रिचार्ज से जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम से लैस चार्टर्ड बाइक कंपनी की साइकिल सेवा आम आदमी के स्वास्थ्य और पर्यावरण को लेकर अच्छी पहल है। इसे जारी रखने के लिए जरूरत है इस दिशा में राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से ईमानदार पहल होने की। भुवन किशोर झा, ईटीवी भारत, रांची।